बोले गौ माता की जय हो, प्रतापगिरि जी महाराज की जय हो, प्रतापगिरि जी महाराज। राम मुरली जी के बहुत मार्मिक और सटीक और अंतर मन से कहते हैं, वह हृदयगम होता है। मुझे आशा और विश्वास है कि भीमाल की धरा पर राहुल जी परिवार ने ये ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। केवल कार्यक्रम ही नहीं है, बहुत कुछ इसमें है। इस कार्यक्रम और इस आयोजन में आप सब लोग अपनी बहुत बड़ी चिरस्थायी स्मृतियां लेके जाएंगे, उसमें से कथा प्रसंग के विषय ही रह गए रहेगा। प्रेम सिंह जी और उनके पूरे परिवार ने जो काम किया है वो चिरस्थायी हुआ है। धन का सदुपयोग किया है, धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। कि धन की तीन गति है, दान, भोग और नष्ट। सबसे श्रेष्ठ जो गति है वो दान की ही है, धन की। आप सबको मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ, आपने धन का सदुपयोग किया। और केवल इतना ही नहीं, प्रेम सिंह जी के प्रेम भाव से और प्रेम सिंह जी का जो आभा मंडल है वो पुण्याई, आपकी पुण्याई के कारण बनी हुई, आपके परिवार के कारण उसके अंदर संस्कार वो बने, जिसे आज पूरे विश्व और पूरे भारत में प्रेम सिंह ने जो काम किया है वो स्वाभिमान होकर के आपको आशीर्वाद देने आए। तो मुझे आशा और विश्वास है ये राजस्थान की धरा का मोती हम सबकी शोभा इसी प्रकार बढ़ाते रहेगा। साथ ही आपके सभी पुत्रों को, परिवारजनों को हृदय से साधुवाद करता हूँ, शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। तो ये कथा का प्रसंग है, इसलिए मैं इतना ही कहते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप सबके लिए मंगल कामना, हरिओम दर्शन।